एक बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। उसे प्रश्न पत्र में सवाल मिला, उसका सवाल था, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने थे। आज आपके इस पवित्र मंच पे खड़े होके, शायद उस बच्चे की उपस्थित में, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको सुना सकूं इससे बेहतर। उसका प्रश्न में सवाल आया, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने थे। 2 उस बच्चे को आते थे, 3रा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा मैं आप तक सुना रहा हूं कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा, बहुत बता बार आपका इन तालियों के लिए। मैंने आपसे अब तक कहा नहीं एक बार भी ताली बजाने के लिए, लेकिन ये राहत भाई साहब मुझे बताते रहते हैं, आशीष ताली अली मांगा मत कर ज्यादा, माल अच्छा हो तो बिकता है। कि पहला पर्याय, लेकिन अब आपके हाथ अगर यहां खामोश नहीं रहे तो दावा करता हूं 24 घंटे में एक बार दिलों में हिंदुस्तान धड़कता होगा तो आपके हाथ खामोश रहेंगे नहीं, इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूं। कि पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान। अगर लग जाए अगली पंक्ति कि आपके हाथ हवा में लहराने चाहिए हिंदुस्तान के सम्मान में, तो अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। तीजा पर्याय क्या कहने वाले, जिंदाबाद। कि बढ़ने लगी है खाई फिर उग्रवाद वाली, बढ़ती ही जा रही है खाई उग्रवाद वाली, वक्त है अभी भी आप खाई पाट दीजिए। कि बढ़ती ही जा रही है खाई उग्रवाद वाली, वक्त है अभी भी आप खाई पाट दीजिए। कर्णधार देश के जो करते हैं चापलूसी, एक बार उन्हें कस कर डांट दीजिए। कर्ण हमसे सबूत मांगते हैं खड़े होके, सेना ने किया सबूत लाओ। अच्छा, हिंदुस्तान ने आपसे पलट के पूछ लिया कि तुम अपने पिताजी की औलाद हो, ये सबूत लाओ। कि बढ़ती ही जा रही है खाई उग्रवाद वाली, वक्त है अभी भी आप खाई पाट दीजिए। कर्णधार देश के जो करते हैं चापलूसी, एक बार उन्हें कस कर डांट दीजिए। चोरी चोरी शस्त्र भेजने में है घमंड जीने, हो सके तो उनका घमंड चाट दीजिए, हो सके तो उनका घमंड चाट दीजिए। कश्मीर को छुए वो हाथ काट दीजिए, जो माँ को कहे डायन जुबान काट दीजिए। कश्मीर को वाह, कश्मीर को छुए जो हाथ काट दीजिए। कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ को। कि पूरा देश अब जवाब सुनना, कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ को। युद्ध और बुद्ध, युद्ध और बुद्ध, राहें दोनों ही खुली हुई हैं, हमने ये खुल के बताया था शरीफ को। युद्ध और बुद्ध, राहें दोनों ही खुली हुई हैं, हमने ये खुल के बताया था शरीफ को। सुना था कि पाक जाल बुन रहा मेरे लिए, मैंने उस जाल में फंसाया था शरीफ को, मैंने उस यही काम गलत है। पूरे मन से आपने कवि सम्मेलन में कविताएं सुनी, लेकिन गड़बड़ एक बात पे ही रही, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। और टाइमिंग है क्या, जिसे चाय में ग्लूकोज का बिस्किट डुबो के खाना आ गया उसने टाइमिंग सीख ली, क्योंकि इसमें सारा खेल टाइमिंग का है। आपने चाय में डाला, तुरंत मुंह में रख लिया, मुंह में घुलेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। और आपने चाय में डाला, 1 सेकंड की देरी की तो अंदर ही गुड़प,
कि पूरा देश एक, बस टाइमिंग रखना कि पूरा देश एक ही सवाल में घिरा हुआ था, किस लिए न्योता भिजवाया था शरीफ को, युद्ध और बुद्ध राहें दोनों ही खुली हुई हैं, हमने ये खुल के बताया था शरीफ को, सुना था कि पाक जाल बुन रहा मेरे लिए, मैंने उस जाल में फंसाया था शरीफ को, मैंने उस जाल में फंसाया था शरीफ को, मैंने उस जाल में फंसाया था शरीफ को, कहीं उग्रवादी कोई घटना न कर डाले, इसीलिए वहां पे बुलाया था। वाह, कि हो पहलगाम उरी दिल्ली आके बंबई, कोई कविता नहीं सुना रहा। मेरा मानना यह है कि 125 करोड़ हिंदुस्तान मेरे सामने है, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, मेरे अंदर जो गुस्सा है मैं सिर्फ वो गुस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। आपने कविता को कविता की तरीके से सुन लिया, आपने जो मन मैंने मांगा आपने मुझे वो मन दिया, लेकिन अब मैं गुस्सा पढ़ने जा रहा हूं, अब मुझे आपका गुस्सा चाहिए। कि हो पहलगाम उरी दिल्ली आके बंबई, हो पहलगाम उरी दिल्ली आके बंबई, किस जगह पे हर जगह पे उग्रवाद वाली पौध जम गई, हर जगह पे उग्रवाद वाली पौध जम गई, लोकतंत्र का भवन तलक लहू सना दिखा, लोकतंत्र का भवन तलक दिखा लहू सना, यूं लगा झुका वो शीशे जो सदा रहा तना, यूं लगा झुका वो शीशे। हमारे डीआईजी साहब ने कहा था कि सिर्फ उस हमले पे ही क्यों, कि यूं लगा झुका वो शीश जो सदा रहा तना, एक और उल्फा उग्रवादियों का जोर है, एक और उल्फा उग्रवादियों का जोर है, दूजी और नक्सली तबाहियों का शोर है, रक्त में नहाए भोर रक्त भीगी रंग है, रक्त में नहाए भोर रक्त भीगी रंग है, अश्र में नहाए माता भारती के नयन है, मानचित्र पूरे देश का लघु लुहान है, मानचित्र पूरे देश का लघु लुहान है, मानचित्र पूरे देश का लघु लुहान है, पुलवामा का खूनी खेल ताजा एक बयान है, पुलवामा का खूनी खेल ताजा एक बयान है, पुलवामा का खूनी खेल ताजा एक बयान है, खूनी ये बयान भट्टियों में झोंक दीजिए, उसका ये बयान भट्टियों में झोंक दीजिए, खूनी ये बयान भट्टियों में झोंक दीजिए, उसने गाड़ी ठोकी आप उसको ठोक दीजिए, उसने गाड़ी ठोकी आप, वाह, कि उसने गाड़ी ठोकी आप उसको ठोक दीजिए, जब तलक नहीं करेंगे ऐसी कार्रवाइयां, रोज होंगी खूनी जंग रोज ही लड़ाइयां, तब तलक सहेगा देश उग्रवाद का कहर, पीना ही पड़ेगा हमको इस जिहाद का जहर, पीना ही पड़ेगा हमको इस जिहाद का जहर, कब तलक सहेंगे कृष्ण एक शिष्य की गालियां, क्या उग्रवाद वाली हो रही प्रचंड है, ये अखंड देश होता जाता खंड खंड है, आग उग्रवाद वाली हो रही प्रचंड है, ये अखंड देश होता जाता खंड खंड है, 100 करोड़ वाली दिल्ली किस लिए तुम मौन है, 100 करोड़ आक्रोश जनता है तो शायद कभी ये बोलता है कि 100 करोड़ वाली दिल्ली किस लिए तुम मौन है, देश का जो हाल इसका जिम्मेदार कौन है, रोज रोज सैनिकों के शव यहाँ पे आ रहे, रोज रोज सैनिकों के शव यहाँ पे आ रहे, मेहंदी वाले हाथ अपनी मांग खुद मिटा रहे, क्या ये दृश्य देख कर कलेजा डोलता नहीं, क्या ये दृश्य देख आपकी कमजोर तलियां आपके ईमानदार कवि को कमजोर कर देंगी, क्या ये दृश्य देख कर कलेजा डोलता नहीं, या लहू तुम्हारा दिल्ली वालों खोलता नहीं, अपने सैनिकों की अंग भंग लाशें देख कर, अपने सैनिकों की अंग भंग लाशें देख कर, मौन क्यों है शत्रुओं के ये तमाशे देख कर, मौन क्यों है शत्रुओं के ये तमाशे देख कर, एक बार इंदिरा पटेल सा विचारिए, एक बार इंदिरा पटेल सा विचारिए, एक बार इंदिरा पटेल सा विचारिए, देश चाहता है इनको घर में घुस के मारिए, देश चाहता है इनको, भारत माता की, बहुत बहुत आभार आपका। 4-5 मिनट आपसे, 3 या 4 मिनट और मांगता हूं, बिल्कुल ताजी कविता के 2 बंद आपके सामने रखता हूं, उसके बाद राहत भाई को आमंत्रित करता हूं। कि घाटी की घुटन वो संतरास देख कर, कि घाटी की घुटन वो संतास देख कर, केसर की क्यारियां उदास देख कर, चढ़ता उग्रवाद का जुनून देख कर, डल झील के जल में खून देख कर, डल झील के जल में खून देख कर, श्वेत बर्फीली धरा लाल देख कर, पुलवामा का ये ऐसा हाल देख कर, डरे तेरे जैसे ना जल्लादी बन जाए, हम भी तेरे जैसे ना जल्लादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी। बहुत बहुत आभार आपका।
ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाएं, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाएं। तुमने कहा कि बंटवारा चाहिए, मन दीजिएगा मुझे जिस मन से आप सुन रहे हैं, कि तुमने कहा कि बंटवारा चाहिए, तुमने कहा कि बंटवारा चाहिए, घर अलग हमें हमारा चाहिए। तुमने कहा कि बंटवारा चाहिए, घर अलग हमें हमारा चाहिए, ननकाना वाला गुरुद्वारा चाहिए, ननकाना वाला गुरुद्वारा चाहिए, सुर नहीं तुम्हें चांद तारा चाहिए, सुर नहीं तुम्हें चांद तारा चाहिए, सुर नहीं तुम्हें चांद तारा चाहिए। जो भी हुआ हो गया दोबारा ना होगा, जो भी हुआ हो गया दोबारा ना होगा, बंटवारा आपको ही गवारा ना होगा, बंटवारा आपको ही गवारा ना होगा। ख्वाब ये ना तेरी बर्बादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्र। शायद हिंदुस्तान के पास ये भाषा है। आदरणीय संतोष दा और राहत भाई साहब बैठे हैं, मैं इनके चरणों में रखता हूँ, चार पंक्तियां देखता हूं कि क्या मुझे इन लोगों का आशीर्वाद मिल पाता है इन चार पंक्तियों में। इसीलिए कहता हूं सुधर जाओ तुम। क्या कहना चाहता है, हिंदुस्तान की भाषा क्या है उग्रवादी से भी बात करते हुए, कि इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, जिधर से आए हो उधर जाओ तुम, इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, जिधर से आए हो उधर जाओ तुम, भूल कर भी नहीं इधर आओ तुम, भूल कर भी नहीं इधर आओ तुम, बच्चे राह देखते हैं घर जाओ तुम, बच्चे राह देखते हैं घर जाओ तुम। अगर जयकारा लगाना ही तो एक बार मेरे साथ लगाइए दोनों हाथ भींच के, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, जिधर से आए हो उधर जाओ तुम, भूल कर भी नहीं इधर आओ तुम, बच्चे राह देखते हैं घर जाओ तुम, बच्चे राह देखते हैं घर जाओ तुम, वरना मृत्यु से आत्मसात हो ना जाए, वरना मृत्यु से आत्मसात हो ना जाए, बीबी विधवा बेटा अनाथ हो ना जाए, बीबी विधवा बेटा अनाथ हो ना जाए, उनकी दृष्टि में ना पुरादी बन जाए, उनकी दृष्टि में ना पुरादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी।